Harman Baweja, who will soon be seen in Shilpa Shetty's debut production Dishkiyaoon, shares what his alleged girlfriend Bipasha Basu thinks about the film and much more here. Well, character का नाम विकी कार्तूस है और एक गैंगस्टर हूँ. फिल्म की बिल्कुल ओपनिंग में ही एक लाइन होती है इसकी कि लोगों की आधी ज़िंदगी ये सोचने में गुजर जाती है कि वो इस दुनिया में करने क्या हैं और आधी वो करते हैं जो वो करना नहीं चाहते. मैं बचपन से ही क्लियर था, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ गैंगस्टर. तो ये बेसिकली इसकी एक जर्नी है कैसे ये बचपन से, मतलब व्हाटएवर बी द रीजंस, कैसे ये एक्चुअली एक गैंगस्टर बनता है, कैसे किसी को आइडलाइज करता है और फिर कैसे उसका ड्रीम पूरा करता है टू रीच द टॉप. बट एक डिफरेंट टेक है, मतलब जो हम लोग टिपिकली देखते आए हैं, जो करेक्ट भी है, जो एक बम्बैया भाषा हमने देखी है फिल्मों में, जो हम लोग सुनते भी हैं जो बॉम्बे में रहते हैं कि भाई क्या बोल रहा है भाई, बस क्या भाई, तो भाई भाई, तो वो ऐसा, ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है नहीं कि ये भाई 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 करता है. ये थोड़ा एजुकेटेड कैरेक्टर है, इसको सब चढ़ाते हैं फिल्म में ग्रेजुएट ग्रेजुएट बोल के. तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ही लुक्स एट दिस होल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक जो गैंगस्टर्स वर्ल्ड है और अंडरवर्ल्ड है जो भी हम कहते हैं इसे, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ट्रीट करता है मेरा कैरेक्टर. ही जस्ट ही लुक्स एट इट कि ये इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ट्रेलर देखने के बाद आपकी बहुत अच्छी दोस्त बिपाशा, उनका क्या रिएक्शन था, उनसे उन्होंने आपको क्या कुछ कहा फोन करके या मिल के कि क्या ट्रेलर के बारे में? जैसे तो बात नहीं होगी. हाँ नहीं, कुछ डेफिनेटली जो जैसा बाकी सबको लगा उनको भी बहुत अच्छा लगा. उनको डायलॉग्स वायलॉग्स अच्छे लगे, उनको एक स्टोरी का एक कूल फैक्टर था वो उनको अच्छा लगा और बॉडी शॉडी ठीक लगी, लुक वुक अच्छा लगा. और क्या बताएं, ज़्यादा क्या तारीफ करें. 2009 में आपकी वर्सी और राशि जी काफ़ी लंबा गैप रहा जी, पाँच सालों का. हाँ नहीं, वो यही था कि मतलब फिल्में कुछ खास चली नहीं तो मेरा यही था कि मैं इतना आदमी फट से जम कर जाता है कि यार अगर यही चल तो मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. तो मेरा माइंड सेट वैसा था नहीं यार, मेरे को ये था कि मैं कुछ अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस अपने आप को करके कुछ एक ऐसा कैरेक्टर करूँ जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो, कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ, यू नो. एंड तो एक फेज़ होता है हर इंसान की, आई थिंक आता ही है लाइफ में, व्हेन यू गो थ्रू बिट ऑफ अ लो फेज एंड देन यू राइज अप अगेन. तो आई वेंट थ्रू दैट फेज विच वॉज अबाउट गुड 1.5-2 years. बट नो रिग्रेट्स यार, आई थिंक लाइफ में एवरी कर्व, चाहे वो अपवर्ड कर्व हो या डाउनवर्ड कर्व हो, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ अनसीखा. आपको क्या लगता है कौन जीता होगा, अगर मेरे और सनी सर के बीच पंजा होगा तो कौन जीता होगा? आई थिंक 2.5 किलो. 2.5 किलो मतलब वो पता नहीं, 250 किलो का आता है वो हरा नहीं सकता आदमी, कितने भी आदमी डोले छोले बना ले उनके सामने हाथ नहीं टिकने वाला उनका. वो यार वो हमने जब सीन शूट किया था ना, तो एक्चुअली हमारे डायरेक्टर ने आके बोला था कि यार थोड़ा और स्ट्रेंथ लगाओ, यू नो फील नहीं आ रहा. मैंने कहा यार तू पागल हो गया, मैं हाथ पर टूट जाएगा मेरा, आगे शूटिंग वूटिंग बाकी है, जेन्यून कर रहा है वो, उनको गुस्सा गुस्सा आ गया, उन्होंने तो तोड़ देना है. तो लिटरली उन्होंने कहा था तेरे को फुल फोर्स करना है. मैं कहा हाँ जी फुल फोर्स करना है. सर तो उनका राइट हैंड चलता नहीं है फिल्म में, चूंकि वो लकवा है, वो जो आपने ट्रेलर देखा होगा, तो लेफ्ट हैंड से था. क्या मेरा लेफ्ट हैंड वैसे ही थोड़ा राइट से कम है, जैसे कि हर किसी का होता है, राइट जो राइट हैंड होते हैं उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो मैंने कहा यार तू और डबल ट्रबल है. 3 सेकंड तक रहा मेरा हाथ ऊपर, बस 1, 2, 3 धाड़. तो फिर सनी सर को बोला मेरा कि यार जरा चीटिंग कर लो, थोड़ी कम एफर्ट डालो, बट मज़ा आता है शूट करने में. आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम अगेन. हाँ प्लस प्लीज़ 28 मार्च को जाइए, प्लीज़ चेक आउट 2 आवर्स, गो चेक आउट डिस्काउंट. इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी ट्विस्टेड टेल और काफ़ी कुछ मसाला है उसमें. हैव फन.